नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हिसार के सांसद व जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान, 16 अप्रैल को सभी लोकसभा उम्मीदवारों का कर दिया जाएगा ऐलान। प्रदेश में जेजेपी के पक्ष में परिवर्तन की लहर, वहीं भाजपा पूरे प्रदेश में और देश में लगातार खो रही है जनाधार। कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर भी निशाना साधा, बोले सभी कांग्रेसी एकजुटता का दिखावा कर रहे। यात्रा की शुरुआत में 16 कांग्रेसी हुए थे बस में सवार, हिसार पहुँचते पहुँचते केवल रह गए 6 कांग्रेसी। ताश की पत्तों की तरह कांग्रेस में हो रहा है बिखराव, वहीं इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के वार पर भी किया पलटवार। आप देख रहे हैं पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। हिसार के सांसद दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के बड़े नेता, उन्होंने आज कहा कि 16 अप्रैल से पहले लोकसभा के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। वहीं फिर वह बोले कि प्रदेश में हर सीट के पर कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं और उनसे विचार विमर्श किया जा रहा है। संभावित उम्मीदवारों को लेकर के अलग अलग चर्चा की जा रही है। सांसद दुष्यंत चौटाला ने आज अपने एक दिवसीय ग्रामीण दौरा शुरू करने से पहले पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि आज पूरे प्रदेश में जेजेपी के पक्ष में परिवर्तन की लहर चल रही है, भाजपा देश व प्रदेश में लगातार जनाधार खो रही है। 43 दिन बाकी है हरियाणा प्रदेश की नोटिफिकेशन इलेक्शन की, 16 अप्रैल से लागू। जननायक जनता पार्टी प्रत्येक लोकसभा के अंदर आज कार्यकर्ता बैठक कर तमाम कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर आगामी रणनीति पे भी और संभावित उम्मीदवारों पर भी चर्चा कर रही है और जल्द 16 तारीख से पहले पार्टी की ओर से अपने संभावित उम्मीदवार मैदान में उतार दिए जाएंगे। आज की जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह से बीजेपी 7 सिटिंग MPs के नंबर काटने में लगी है और कांग्रेस की तो ये हालात है कि जिन जिन लोगों के उम्मीदवारी में नाम प्रस्तावित है वो भी आज इनकी बस पे नहीं चढ़ रहे। ये अपने आप में दर्शाता है कि हरियाणा प्रदेश एक परिवर्तन चाह रहा है और परिवर्तन जननायक जनता पार्टी के पक्ष में। और जिस तरह के हालात आज देश भर में बनते जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से दिन प्रतिदिन अपना ग्राउंड खोती जा रही है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हिमाचल हो, ये अपने आप में दर्शाता है कि लोगों का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया और आज लोग दोबारा क्षेत्रीय दलों को ताकत देने के लिए मैदान में उतरे। कांग्रेस एकजुटता का दावा करती है परिवर्तन यात्रा के द्वारा। अगर एकजुटता थी तो 16 लोग रथ पे चढ़े थे और कल हिसार पहुँचते पहुँचते 6 रह गए। और मुझे लगता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो सुनने में राहुल गांधी इसका समागम करेंगे और उस समागम पे तो शायद गिने चुने लोग रह जाए। आज एकजुटता नहीं है, ये तो आज खिंडना शुरू है ताश के पत्तों की तरह और जल्द देखोगे किस तरीके से इनमें बिखराव आए। पहले भी कितनी बार आए हैं, कभी असर दिखा है? 5 साल के अंदर अगर असर दिखता तो आज कांग्रेस की यह हालत नहीं होती कि सबको एक बस पे लेके चढ़ना पड़ता। गठबंधन को मैं कमेटी का सदस्य नहीं हूँ, कमेटी इस पे जो भी निर्णय लेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव ने 6 तारीख को बैठना है, वो बैठ के अपना निर्णय लेगी। चारों सदस्य वो तो पहले कहते थे जमानत जब्त होगी, जींद के लोगों ने दर्शा दिया किसकी जमानत जब्त हुई और किसको जन भावनाओं का प्यार मिला और पूरा प्रदेश इसी तरीके से जन भावनाओं को एकत्रित करके जननायक जनता पार्टी को मजबूती। उनका कहना है कि चारों सदस्यों की जो रद्द होने तक वो लड़ाई जारी रखे हैं, चाहे सुप्रीम देर आए दुरुस्त आए, ये चीज़ तो इनको पहले दिन कर देनी चाहिए थी जब चारों विधायकों ने निर्णय लिया। मगर मन में घबराहट थी कि गाड़ी बत्ती ये ना छिन जाए, 2 और भाग के 11 रह गए। अब तो क्रिकेट की टीम बची, देखते हैं अगले 43 दिन में कितनी विकेटें डाउन हो। अब आज वो वकीलों के चक्कर काट रहे हैं, किसी एक विधायक ने वकील का चक्कर काटा, कोई एक विधायक इनके पास गया हो, तो केवल मात्र बात करने वाले व्यक्ति रह गए। ना तो आज इनके पास संगठन बचा, ना उम्मीदवार बचा। माफी की मांग की जा रही है, जो लोग ये पुतले जला रहे इसका वाद विवाद बना रहे हैं, वो केवल मात्र चुनावी माहौल को खराब करने का प्रयास है। जो बात बरवाड़ा में मेरे द्वारा कही गई थी वो ये थी कि शहीद आजम भगत सिंह को आज भी हिंदुस्तान के रिकॉर्ड में देशद्रोही का दर्जा है और उस समय की अंग्रेजी हुकूमत ने 1300 कुछ गवाहों की गवाही ली थी और उन गवाहों में से कई लोगों को सर की, राय साहब की और अलग अलग प्रकार की उपाधियाँ दी गई
बड़े बड़े मरबे दिए गए, चाहे वो बागपत उत्तर प्रदेश में हो, चाहे हरियाणा में हो, चाहे दिल्ली के अंदर हो, चाहे पंजाब के अंदर, और आज के दिन भी वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में देशभक्त दिखाए गए। और मैं तो आज भी कहता हूँ, ये तो लोगों ने डिसाइड करना है कि या तो शहीद आजम भगत सिंह इस देश के गद्दार थे, या वो लोग जिनने देश की उस मूवमेंट के अंदर देश के विरुद्ध अंग्रेजी हुकूमत का सहारा देने का काम किया था, वो लोग थे। और मैं तो आप लोगों के माध्यम से पूछता हूँ, आप अपने चैनल पे चलाइए, उन 1300 लोगों के नाम और उनकी उपाधियाँ चलाइए, और साथ में शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के चित्र दर्शाने का काम करिए। और जो लोग सर छोटू राम की बात कर रहे हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं इकलौता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जिसने केंद्र सरकार को भी, पंजाब हरियाणा और हिमाचल के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र लिखा कि सर छोटू राम तो वो व्यक्ति थे जो सर अकेले नहीं थे, वो रहबरे आजम थे, किसानों के मसीहा थे, जिन्हें भाखड़ा डंगल डैम का निर्माण किया। मैं तो उन लोगों को बोलूँगा जो पुतले चला रहे हैं कि आप लोग मुहिम चलाइए कि सर छोटू राम का स्टैचू भाखड़ा नंगल डैम पे लगे।